दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे जुड़ता हुआ। मैं लगातार अपने अच्छे खिलाड़ी जो लखनऊ के होनहार हैं, मैं उनको आपके सामने लाता जा रहा हूं। इसी श्रृंखला इसी कड़ी में मेरे साथ हमारे ये तीन होनहार खिलाड़ी, नमन तिवारी, हमारा सत्यम पांडे और प्रियांशु पांडे, जो लगातार लखनऊ में एक नई पहचान दे रहे हैं लखनऊ क्रिकेट की, वो आपके सामने हैं। मैं नमन को बुलाऊंगा। नमन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और नमन को मैं बताऊं, अंडर 14 के ट्रायल्स पे ये आए थे पहली बार और मैं इनसे जुड़ा। मैं भी उस साल फर्स्ट टाइम सेलेक्टर बना था और मैंने इनको देखा, इनको बॉल डालते हुए देखा। फिर मैं एक गैप सा आ गया, एक साल डेढ़ साल का टाइम अलग था मैं, लेकिन नमन को मैं पूरे लखनऊ में ढूंढता रहा। वो लड़का कौन था, कि वो कहाँ से आया था, कौन था, मैं कईयों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता रहा था। फिर जब मैंने इसको नेक्स्ट डे ट्रायल पे अगली बार देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और नमन, मैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था तुम्हारी बॉल डालना, तुम्हारी रनअप, तुम्हारा एक्शन। नमन, तुमने क्या क्या खेला, पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर, स्टार्टिंगली मैंने स्टेट के लिए 14 रिप्रेजेंट किया है, फिर 16 स्टैंड बाय था और 19 टू ईयर्स खेला है। जो अंडर 14 का तुमने किस ईयर में सिलेक्शन हुआ था तुम्हारा? 2019। मुझे लग रहा हम लोग की 2018 में मुलाकात हुई थी। मैंने कोशिश किया नमन को अंडर 25 की टीम से, जब वो 14 में था तब मैं इसको इंट्रोड्यूस कराया 25 की टीम्स में, इसको मैचेस खिलाए और इसने लगातार परफॉर्मेंस की। अपनी कूच बिहार के जो तुमने मैचेस खेले, वहाँ की कुछ परफॉर्मेंस बताओ। सर, बेसिकली 2021 में मैंने डेब्यू किया था 19 सीनियर कूच बिहार, तो मेरे 5 मैच में 10 विकेट्स थे कूच बिहार में। तो फिर मेरी इस परफॉर्मेंस के उस पे बेसिस पे मेरी NCA कॉल हुई। NCA में कॉल हुई जी। तो NCA का एक्सपीरियंस भाई कैसा लगा तुम्हें, क्या रहा, क्या रूटीन रहता था तुम लोग का? सर, बेसिकली अच्छा रूटीन था हम लोग का। हाँ। सब शेड्यूल वाइज था। हाँ। प्रैक्टिस, रिकवरी और जो भी लोड था वो बिल्कुल मॉनिटर हुआ था कोचेज द्वारा। हाँ। हाँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा NCA में। और क्या तुम्हें चेंजेस लगे वहाँ की प्रैक्टिस और यहाँ की प्रैक्टिस में? सर, चेंजेस तो कुछ नहीं लगे, क्योंकि वहाँ की भी प्रैक्टिस मतलब बेसिकली क्रिकेट ही सिखा रहे थे वो लोग। और जो मैं अपने एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे सर कराते हैं, यस्सानी सर, वो भी क्रिकेट ही मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वो भी करते हैं, और बाकी भी कोचेस उनने भी अच्छे एक्सप्लेन किया। मैं बता दूँ, यस सहानी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं और लखनऊ क्रिकेट में एक तहलका सा मचा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को आगे ला रहे हैं, हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके उन बच्चों को देखकर। आज कुछ दुर्भाग्य है, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो हम लोगों से नहीं जुड़े। नमन, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, कैसे तुम ग्राउंड तक आए, क्योंकि एक बच्चा क्रिकेट शुरू करता है तो कैसे वो इस यात्रा को आगे बढ़ाए, कैसे जुड़े? सर, बेसिकली मतलब जो भी मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे कोच के उसमें यस्सानी सर मिले, क्योंकि मतलब बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय क्रिकेट बाय टेनिस। सो जो भी मतलब हेल्प की और मतलब पूरा यहाँ तक जो भी मेरे चीज़ें हैं क्रिकेट से रिलेटेड और भी पर्सनल चीज़ें भी हैं वो मेरे सर देखते हैं, और मतलब फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, घर से भी, कि उनने कभी ये नहीं बोला कि आप रहने दो, आप थोड़ा पढ़ाई पे स्टडी फोकस करो। तो मतलब ऐसा फ्रीली मुझे थोड़ा मिला घर से। देखो, आपको बताऊँ, नमन IPL से भी जुड़ा, IPL में थोड़ा IPL की यात्रा के बारे में बताओ। सर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग जो TV पे देखते हैं वो वहाँ पे मैं था पहली बार, तो काफ़ी अच्छा लगा। जो बॉलरों को मैं देखता था TV पे बॉल डालते हुए, मलिंगा सर, ट्रेंट बोल्ट और चहल, तो काफ़ी उनके साथ रहने, उनका माइंडसेट और उनके साथ प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। नमन, तुमने एक ऐसा कैरियर पे आ गए हो कि तुम्हें अपने कैरियर को शेप देना है, आगे का क्या प्लान बना रहे हो, आगे का क्या सोच रहे हो? सर, बेसिकली जब मैं फास्ट बॉलर बना था तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था कि आई वांट टू क्लिक 165, फास्टेस्ट बॉलर बनना है हिस्ट्री का।
बट अभी शॉर्ट टर्म गोल है सर अंडर 19 है इंडिया वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करना। क्या बात और कोशिश बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल अपना 100% ट्राई करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप जिताऊं इंडिया को 19। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ तुम्हारे साथ पग पग पर खड़ी रही, उसके बारे में दो शब्द जरूर बोलो। बिल्कुल सर, मतलब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ ने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें, इतने अच्छे ग्राउंड दिए हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया है खेलने को। मतलब मैं बाहर भी जाता हूँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे भी तो उतना अच्छा थोड़ा नहीं रहता है, पर CL ने काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं प्लेयरों को, बैक करते हैं प्लेयरों को, अच्छे टूर्नामेंट्स दिए हैं, जैसे BBD लीग हो गई है, उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड बेस्ट मतलब स्टेट बेस्ट लीग मेरे ख्याल से। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रमोट भी लगातार किया, 25 के मैचेस खिलाना, ये सब मैं तुम्हारा उनका पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एसोसिएशन और हमारे सिलेक्टरों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगता है नमन से जब बात करता हूँ, नमन से जुड़ता हूँ। नमन, आखिर में मैसेज, क्योंकि बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज दो। सर मैसेज तो यही दूंगा कि जो भी आप करें, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, बॉलर हो बैट्समैन हो, उसमें 100% आपने दीजिए। आप अगर पूरे दिन में आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी प्रैक्टिस से तो थोड़ा और ट्राई हार्ड करिए, और जो आपके कोचेस बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कीजिए और ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। क्या बात है। मैं अब दूसरे अपने होनहार खिलाड़ी, थैंक यू नमन, प्रियांशु को बुलाऊंगा। प्रियांशु, तुम्हारा स्वागत है इस चैनल पे। अपने बारे में तुम खुद बताओ। पहले तो सर मैं सेंट्रल रेड क्लब में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे कोच यश सानी सर, मैं इस साल स्टेट पहली बार रिप्रेजेंट किया अंडर 19, और क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ की टीम से भी पिछले दो तीन साल से लगातार खेलते आ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक क्रिकेट में मेरा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ प्रियांशु के बारे में, इसने 200 रन की इनिंग खेली है, 20 ओवर में 160 रन बनाए हैं। मैं आश्चर्यचकित था जब उसकी ये परफॉर्मेंस दिखता था, और मैं खुद भी कोशिश किया प्रियांशु के साथ जुड़ने की। प्रियांशु, उन इनिंग्स के बारे में बताओ जो तुमने लंबी लंबी इनिंग्स खेली है। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से एक चीज़ सीखा हूँ कि फियरलेस रहना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, अपने गेम में या किसी भी चीज़ में। अगर आप फियरलेस रहते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। क्या बात है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मैं अभी तक आज तक जितनी भी चीज़ें सीखा हूँ क्रिकेट में, उन सब चीज़ों में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि अपने आप को हर टाइम बैक करना चाहिए। यस, मैंने बहुत लोगों से सीखा है कि एयर में नहीं खेलना चाहिए ये, एंड बहुत सारी चीज़ें कि रैश शॉट वगैरह, लेकिन मेरे जो कोच हैं उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, मेरे गेम को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को बैक करता हूँ अपने शॉट्स खेलने के लिए, जो कि मेरे को हेल्प करता है ये सब इनिंग खेलने में। लेकिन मैं फिर बता दूँ, यश सानी के ये भी ट्रेनीज है, और यश सानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रियांशु, कुछ ऐसी यादें, क्योंकि तुम पहली बार ग्राउंड पे आए, कौन लाया, कैसे जुड़े, उसके बारे में बताओ। सर पहले तो मैं सर स्टार्ट किया था फुटबॉल से। वेरी गुड। बहुत जैसे मतलब रोलर कोस्टर जैसा अभी तक जर्नी रहा है थोड़ा। मैं स्टार्ट किया था फुटबॉल से, मेरे फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट प्रैक्टिस होती थी एकेडमी में, तो मैं सोचा कि क्रिकेट भी खेल के देखते हैं। तो स्टार्ट किया मैंने, फिर मैंने सर से जुड़े हम लोग, उसके बाद धीरे 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 यहाँ तक पहुँचे। देखो बच्चों, ये एक मैसेज है, आप खेल से जुड़ो, आप किसी भी खेल को शुरू करो, ग्राउंड्स पे जाओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, खेल से जुड़ो, और उसके बाद आप जिस गेम में आपका मन लगता है उससे जुड़ो। देखो नमन ने बताया टेनिस खेलते थे, इसने बताया फुटबॉल खेलते थे, ऐसे राहुल सपरू सर ने बताया वो भी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। तो आप सब लोग अपनी फिटनेस के लिए ग्राउंड पे आओगे, जुड़ोगे, तो अपने आप आपका रुझान किसी ना किसी खेल की तरफ पड़ेगा। आगे के क्या प्लान्स हैं, और अपनी वो 200 रन की इनिंग बताओ और 160 रन की इनिंग बताओ जो तुमने 20 ओवर में और बनाया, उसके बारे में अपने कुछ। सर अभी तो यही प्लान है कि इंडिया खेलना है। वाह क्या बात है। और कोई गोल तो है नहीं रिसेंटली। और 200 रन की इनिंग सर तो स्टार्ट मैंने स्लो ही किया था उस मैच में, एक एंड से विकेट गिर रहे थे, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप हुई एक मतलब हमारी टीममेट्स के साथ, तो मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया अपना मतलब शॉट्स खेलने स्टार्ट किए, और आखिरी में चार्ज किया तो 200 रन। और
और जो 20 ओवर में 160 रन, मुझे लगता है 20 ओवर का क्रिकेट में 10 ही ओवर में बैटिंग आई होगी, 10 ओवर में दूसरा खिलाड़ी खेल रहा होगा, उसमें 160 रन बनाना, उसके बारे में कुछ शेयर करो। सर सब चीज़ मेरे फेवर में ही थी, बहुत अच्छा विकेट था, छोटा ग्राउंड था और वाइड बॉल से मैच हो रहा था, तो मैं अपनी बैटिंग एंजॉय कर रहा था और शुरू के 2-3 ओवर में खेला, मेरे बैट पे लड़ रही थी बॉल, तो मैंने अपने शॉट स्टार्ट कर दिए। अंडर 25 का इस साल ट्रायल्स दिया तुमने, जी तो क्या रहा उसका, कुछ उस बारे में बताओ। सर मैं लास्ट कैंप तक गया था अंडर 25 में, और रणजी ट्रॉफी में भी लास्ट कैंप तक गया था। देखिए ये वो बच्चे हैं लखनऊ के जो आगे बढ़ रहे हैं, 19 खेला और ये सब परफॉर्मेंस लगातार ये कर रहे हैं। मैं आप लोगों को, इन लोगों को इसीलिए सामने ला रहा हूँ कि इनको देखिए, एंड में कोई मैसेज बच्चों के लिए? यही कहेंगे सर कि अपने आप को बैक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन में। लाइफ में बहुत टाइम ऐसे आते हैं कि जहाँ पे इंसान अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है कि ये नहीं हो रहा है, रन नहीं बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हटा के अपने आप को जितना बैक किया जा सकता है उतना करें और कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर होगा, फिर एक उम्मीद जगेगी, उसके बाद आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थैंक यू प्रियांशु, बहुत अच्छा बोलते हो तुम, ऑल दी बेस्ट। आओ सत्यम, नर्वस नहीं होना है पहले तो, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे मैं बता दूं, सत्यम को मैं बहुत लाइक करता हूं, इसकी बॉलिंग बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है। कुछ लोगों को जल्दी चांस मिलता है, कुछ को लेट में मिलता है, लेकिन मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल सत्यम उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां मेरी सोच है, मैं सोचता हूं कि एक खिलाड़ी को जाना चाहिए। सत्यम तुम अपने बारे में बताओ। सर मैं सेंट्रल क्रिकेट क्लब में खेलता हूँ और वहाँ के कोच यसानी सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं और लखनऊ टीम हमारी काफ़ी सपोर्ट करती है। और सत्यम जो तुम बैटिंग करते हो, स्टाइलिश बैटिंग करते हो, बॉल बहुत अच्छी डालते हो, ये नींव शुरुआत कहीं ना कहीं तुमने की होगी, उसके बारे में बताओ। सर पहले मैं टेनिस खेलता था और फिर मुझे सर यसानी सर के बारे में पता चला और दोस्तों से पता चला, तो सर मैं वहाँ आया, फिर उन्होंने ही सारा जो भी है बैटिंग बॉलिंग जो भी चीज़ें हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर मैं सीखा। जैसे अपनी कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस बताओ, है ना? सर वो पिछले साल मैं मैन ऑफ द सीरीज़ था बीयूटी लीग में, सी डिवीज़न में। ये वो लड़के हैं मैन ऑफ द सीरीज़ इनको मिला। कई बार क्या होता है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की छाव में आ जाता है। सत्यम में कोई कमी नहीं है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट आज नहीं तो कल करेगा, हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी इसके आगे आ गया होगा। सत्यम और थोड़ा सा बच्चों को बताओ। यही कि अपनी गलतियों पे बस ध्यान दीजिए और बस अपने और जो भी हैं अपने कोच सर उन पे भरोसा रखिए, जो कहें उनकी राहों पे चलिए और बस ऐसा। थैंक यू सत्यम, तुम बहुत नर्वस भी होते हो लेकिन आगे तुम्हें बहुत कुछ बोल कर आगे बढ़ना है, बोलना है। आखिर में हमारे इस चैनल के लिए तुम लोग कुछ थोड़ा सा दो शब्द बोलो कि मैं जो चला रहा हूँ मुहिम, आ जाओ सत्यम कराइए। फ्यूचर का जो चैनल है बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लड़के के लिए और काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमन आप बोले आने वाले स्टार हमारे लखनऊ के। सर बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा कि जितना हो सके कि इसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि और भी लोगों को पता चले कि सर हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यही सर कि बहुत अच्छा चैनल है, इस चैनल के द्वारा बहुत से लोगों को मैसेज पहुँच रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ की बहुत एक्सपीरियंसिस भी शेयर कर रहे हैं सर, जिससे बहुत से लोगों को मदद मिल रही होगी और अपने आप को आगे बढ़ाने की बात मिल रहा होगा। मैं आखिर में एंड करने से पहले आयुष विजय मिश्रा से आपको परिचय करा दूं। मैं इस बार के ट्रायल्स पे मैंने इस लड़के को देखा, बहुत कम मैंने टेक्निकली साउंड लेफ्टी बैट्समैन को देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस लड़के को देखकर, इसकी बैटिंग के स्टाइल को देखकर। आयुष तुम्हारा स्वागत है इस चैनल पे और कुछ अपने बारे में बताओ। सर मैं मल्टी एक्टिविटी सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ सर, वहाँ पे सर बहुत अच्छी कोचिंग मिल रही है सर। अभी हाल ही में सर 16 में सर कैंप लगा था हम लोग का, वहाँ पे सर 45 के कैंप में बाहर हो गए थे। देखो
बच्चों मेहनत कर रहा है, मुझे मालूम है ये आज नहीं तो कल ये उन बुलंदियों तक पहुंचेगा क्या हमारी उम्मीदें हैं। आयुष ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय बाय।